नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुम्हारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं तुलसी प्लांट की केयर बरसात के मौसम में कैसे की जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं जिसको आप अपना के अपनी तुलसी को हरा भरा और घना भी बना सकते हो और आपके घर की जो तुलसी होगी ना वो सदा बहार तुलसी बन जाएगी। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों कि जो लोग अपने घर में तुलसी लगाना चाहते हैं वो लोग तुलसी को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर नर्सरी से कोई पौधा लाकर घर पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये जो बरसात का मौसम है इसमें तुलसी जी को बहुत आसानी से अपने घर में हम ग्रो कर सकते हैं। दूसरा टिप्स है दोस्तों, अगर आपका गमला तुलसी का छोटा है, जैसे कि 7 इंच है, 6 इंच है, अगर आप उसको बड़े गमले में रीपोट करना चाहते हो, मतलब छोटे गमले से बड़े गमले में लगाना चाहते हो, तो रीपोटिंग का जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम है। आप इस बरसात के मौसम में अपनी तुलसी को रीपोट कर सकते हो। तीसरा जो टिप्स है वो है दोस्तों ये कि अगर आप अपनी तुलसी को सदाबहार तुलसी बनाना चाहते हो तो आपके गमले का साइज अभी जो भी है, 6 इंच है, 10 इंच है, 12 इंच है, आप उसे तुरंत के तुरंत 25 इंच के गमले में उसे रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, अगर आप अपनी तुलसी को सदाबहार तुलसी बनाना चाहते हो तो। अगर आपके पास 25 से 26 इंच का गमला नहीं है तो आप कोई पुरानी पानी की टंकी, जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो ये है पानी की टंकी। बहुत लोगों के घर में पानी की टंकी वेस्ट और ख़राब पड़ी होती है, तो आपको उस टंकी को फेंकना नहीं है, उस टंकी को आप रिपोर्टिंग के लिए यूज़ में ला सकते हो। आपको क्या करना है कि अपने कमर के बराबर, उसके बराबर खड़े हो जाएगा और अपने कमर के बराबर ऊपर से टंकी को आपको कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद आपको ना नीचे इसके होल नहीं करना है, ये जो आपका आपको साइड साइड का एरिया दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको पूरी गोलाई में 5 से 6 होल कर देने हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूंगी, ये मान लीजिए टंकी की लंबाई है तो यहाँ पे होल करने हैं, यहाँ पे, ठीक है, गोलाई में होल कर दीजिएगा करके। और जैसे कि मैंने ये ईंट रखी है ना, ऐसे ईंटों की सपोर्ट देकर उसके ऊपर आपको अपनी टंकी को रखना है। रखने के बाद आपको, आप मिट्टी कोई भी ले सकते हैं, अगर मान लीजिए आप प्लांट की मिट्टी ले रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे ये सामने प्लांट है, अगर आप प्लांट की मिट्टी ले रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देनी है, गोबर की खाद ऐड कर देनी है, ठीक है, और रेत ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं ना उसमें रेतीली मिट्टी ही होती है, ठीक है, तो उसमें आपको रेत मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो, बस थोड़ी सी गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप खेत की मिट्टी लेते हो, ठीक है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, अगर आप उसको लेते हो तो आपको उसमें क्या करना है कि उसमें रेत मिक्स करना है। बहुत लोग ना कोकोपीट ऐड करते हैं, तो जो कोकोपीट है वो रेतीली मिट्टी में ऐड की जाती है क्योंकि जो रेतीली मिट्टी होती है ना उसमें पानी रुकता नहीं है, इसी वजह से उसमें कोकोपीट ऐड की जाती है। जब हम खेत की उपजाऊ मिट्टी लेते हैं तो उसमें आपको कोकोपीट मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उसमें आपको रेत को मिक्स करना है, ठीक है, ताकि जो आपकी मिट्टी है, ठीक है, वो थोड़ी ना रेतीली हो सके, क्योंकि जो जो उपजाऊ मिट्टी होती है खेत की वो ना चीकनी मिट्टी होती है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं ना तो वो पानी गमले में ही रह जाता है, गमले से बाहर नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा टिप्स तो आपका ये था। उसके बाद चौथा टिप आपको क्या करना है कि जब आप तुलसी को गमले में लगाते हो तो उसकी कांट छांट आपको करते रहना है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए मंजरियाँ हैं, तो मंजरियों को आपको समय समय पर तोड़ते रहना है और कभी भी आपको मतलब तुलसी के ऊपर मंजरियाँ नहीं छोड़नी है, ऐसे आपको तोड़ते रहना। और इसकी हार्ड कटिंग जरूर कीजिएगा, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है तो इसमें आप तुलसी की हार्ड कटिंग कर सकते हो, जैसे कि ये मान लीजिए ये तुलसी है तो इसको आप गोलाई में कटिंग करके गोलाई की शेप दे सकते हो, ठीक है। अगर और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि टंकी में अगर आप अपनी तुलसी को लगाते हो, मिट्टी डाल के टंकी में अगर आप अपनी तुलसी को रिपोर्ट करते हो तो मेरी वीडियो, मेरे चैनल पे आपको जितनी भी फर्टिलाइजर की वीडियोस दिखाई देती हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
और अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ या बनाई हुई हैं उसका सबका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँच सके, ठीक है। अगर आप 25 से 12 इंच के गमले में, सॉरी अगर आप 25 इंच के गमले में या फिर जो मैंने अभी पीछे आपको बताया टैंकी में अगर आप अपने पौधे को रिपोर्ट करते हो तो उसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मतलब आप आपके घर में कितने भी लोग हों, 10 लोग हों, 15 लोग हों, वो अपनी पूजा आराम से कर सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अगर आप गर्मी में मतलब पानी दे रहे हो तो आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन सर्दी में, खासकर सर्दी में जब धुंध पड़ती है तब, अगर जैसे कि आप डेली पूजा करेंगे, ठीक है, सभी करते हैं, तो डेली जब पूजा करते हैं तो आपको सुबह में पानी देना है, वो भी ताज़ा पानी देना है। जब हम मोटर चलाते हैं या नल का जो ताज़ा पानी निकालते हैं ना, वो पानी हमको देना है। चाहे आप 1 लोटा दीजिए, चाहे आप 10 लोटा दीजिए, आपके तुलसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो जो पानी है वो फर्टिलाइजर का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि इसकी मंजरियाँ निकालनी है, और फिर इसका नेक्स्ट टिप्स है कि जैसे कि आपको मिट्टी दिखाई दे रही है, इसके हर 10 दिन में 15 दिन में इसकी गुड़ाई करते रहना है, ठीक है। जैसे ये देखिए मेरी मिट्टी हार्ड हो गई है, अभी दोपहर का टाइम है तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगी, आप इसकी जो गुड़ाई है शाम के वक्त कीजिए, पानी देने से आधा घंटा पहले इसकी गुड़ाई कीजिएगा, फिर उसके आधे घंटे के बाद इसमें पानी दीजिएगा, ताकि जो जड़ है उसको हवा मिल सके, ठीक है। समय समय पर इसकी गुड़ाई करेंगे तो आपकी जो तुलसी है वो बहुत हरी भरी घनी होगी और सदाबहार होगी, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आप अपनी तुलसी को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे धूप भी आए, ठीक है, जितनी भी दिन की पूरी धूप आपकी तुलसी को मिलनी चाहिए, चाहे वो गर्मी का टाइम हो चाहे वो सर्दी का टाइम हो, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ मतलब जैसे कि बहुत लोग हैं ग्रीन नेट बताते हैं कि ग्रीन नेट देना चाहिए, ठीक है, वो आपकी अपनी पसंद है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो है ना जितनी ज़्यादा हम अपनी तुलसी की केयर करने लगते हैं तुलसी उतनी नाजुक हो जाती है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर जो धूप है पूरे दिन की धूप ही से मिलनी चाहिए, और समय समय से फर्टिलाइजर देते रहिए। आपके पास गमला सही होना चाहिए और मिट्टी सही होनी चाहिए, तो आपकी जो तुलसी है वो बहुत अच्छी ग्रो करेगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो है, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। ओके बाय दोस्तों।